गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल बी स्टडी अबाउट सब्जेक्ट सब्जेक्ट जीके क्लास यूकेजी वर्ल्ड अराउंड अस की आपके पास बुक होगी ना, क्लास यूकेजी ओपन करिए इस बुक को। देखिए, कल मैंने आपको क्या बताया था, डू समथिंग्स मैस एक्शन करेक्ट बॉडी पार्ट्स, कुछ आपको सेंटेंसेस दिए थे जिनको आपको करेक्ट बॉडी पार्ट से मैच करना था और ये आपको लर्न भी करना था। आई सी विद माई आईज, आई स्मेल मतलब सूंघते कैसे, आई स्मेल कैसे करते हैं विद माई नोज, आई वॉक विद माई चलते कैसे लेग, एंड आई लिसन सॉन्ग विद माई ईयर, एंड आई टॉक विद माई टंग। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्या थे आपके करेक्ट बॉडी पार्ट्स थे। ओके, फिर नेक्स्ट आपने, आई होप आप लोगों ने वर्क कंप्लीट कर लिया होगा। अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 4 में। चैप्टर नंबर 4 है माई हाउसेस, मेरा घर। हाउस मेरा घर मतलब मेरे घर में, आपके घर में कौन कौन से रूम्स होते हैं या कितने पार्ट्स होते हैं, क्या क्या होता है एक हाउस के अंदर। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर में देखिए बेडरूम। बेडरूम सबके घर में होता है ना, जहाँ पर हम लोग स्लीपिंग करते हैं। ओके, दूसरे क्या बोलते हैं, बेडरूम, BED, बेड ROOM, रूम बेडरूम, जहाँ पे बेड वगैरह पड़ा होता है, आप लोग रात में सब लोग सोते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ड्राइंग रूम, DRAWING, ड्राइंग रूम, ROOM, रूम ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम क्या होता है, जिसमें सोफे वगैरह और टेबल्स पड़ी होती हैं, गेस्ट आके बैठते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाता है, हमारा ड्राइंग रूम हो जाता है। फिर उसके बाद घर में क्या होता है, एक गैरेज होता है, GARAGE, गैरेज। गैरेज मतलब क्या होता है, यहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह खड़ी होती हैं, सबसे नीचे बना हुआ होता है गैरेज। फिर उसके बाद क्या है, किचन, KITCHEN, किचन क्या होता है, किचन। ठीक है, फिर उसके बाद है गार्डन, GARDEN, गार्डन। गार्डन मतलब बगीचा होता है ना। फिर उसके बाद क्या होता है, बाथरूम, BATH, बाथ, ROOM, रूम। बाथरूम होता है ना, जहाँ स्नान घर जिसको बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, लास्ट में हमारे यहाँ घर पे आगे बालकनी भी होती है ना, जैसे जो अपार्टमेंट्स में लोग रहते हैं वो पीछे रूम्स होते हैं, आगे की तरफ बालकनी होती है जिससे हमारा रोड वगैरह दिखती है, या हम उसमें पेड़ पौधे लगा सकते हैं। ठीक है, क्या हो गया, बालकनी, PALCONY, बालकनी। ओके स्टूडेंट, तो ये माई हाउसेस के अंदर, हमारे हाउस के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं उनकी नॉलेज आपको दी गई है। तो आपका होमवर्क है कि आप चैप्टर 4 जीके की कॉपी पर डालेंगे, चैप्टर 4 माई हाउसेस लिखेंगे, फिर लिखेंगे बेडरूम, नंबर 1 बेडरूम, ड्राइंग रूम, गैरेज, किचन, गार्डन, बाथरूम एंड बालकनी। आपको समझ में आ गया होगा कौन सा रूम किस यूज़ में होता है। ठीक है, लेकिन आप इनको पॉइंट से लिखेंगे और विद स्पेलिंग लर्न करेंगे, उसके बाद एक बार रफ कॉपी में फिर से लिख के देखेंगे। ओके स्टूडेंट, विद स्पेलिंग, मैं आई रिपीट इट, मैं बार बार बोल रही हूँ, विद स्पेलिंग लर्न करेंगे जिससे आपकी सब नॉलेज बढ़ेगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।